तो मैं आज जो है ऐसे स्थान पर पहुंचा हूं जो काफ़ी प्राचीन और पुराना है, और यहाँ एकदम बहुत ही शांत वातावरण है। दोस्तों आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यह सही से नहीं दिख रही है, चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूं। यह जो स्थान है झिरिया सरकार धाम, नई सराय जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश के नाम से यह जाना जाता है, झिरिया सरकार के नाम से। जी हाँ दोस्तों, यही वो बरगद का पेड़ है। अभी मैं आपको चल के नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों यह बरगद का पेड़ जो है लगभग बहुत पुराना मालूम होता है, और यहाँ हनुमान जी महाराज का प्राचीन स्थान है। देखिए दोस्तों, चलिए एक बार मैं आपको गन इसके चारों तरफ से दिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत विशाल है बरगद का पेड़ जो है, बहुत विशाल है, बहुत जगह घिरे हुआ है। और देखिए इसकी जो है शाखाएं आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ से लेके और वो धरती को नीचे छूती हुई फिर दोबारा से ऊपर उठ गई है, ऐसी इसमें चारों तरफ शाखाएं हैं। दोस्तों यहाँ का वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शांत यहाँ का वातावरण है। तो दोस्तों देखिए इसकी बड़ी बड़ी शाखाएं, बहुत ही विशाल इसकी शाखाएं हैं बड़ी बड़ी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी इसकी विशाल शाखाएं। यहाँ चारों तरफ जो है शांति का माहौल है, और इधर चारों तरफ जो है पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं। चलिए अब हम अंदर चलते हैं और आपको दर्शन करा दूं। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दर्शन कराता हूं झिरिया सरकार के। झिरिया सरकार नाम से है स्थान जो है, विख्यात है, प्राचीन स्थान है। दोस्तों आप लोग भी झिरिया सरकार के दर्शन कीजिए। अभी अभी हनुमान जी महाराज का श्रृंगार पूरा हुआ है, महाराज जी द्वारा श्रृंगार किया गया। और दोस्तों देखिए काफ़ी खूबसूरत भगवान की प्रतिमा है, हनुमान जी महाराज की, बहुत प्राचीन स्थान है। और दोस्तों आप ये छतरी देख पा रहे हैं, काफ़ी प्राचीन छतरी है, इसमें है सती माता का मंदिर बना हुआ है, सती माता इसमें विराजमान है, काफ़ी प्राचीन छतरी है। और इसकी देखिए इसमें जो पत्थर की कलाकृति है, काफ़ी खूबसूरती से इसमें उकारी गई है। देखिए दोस्तों यह हाथियों का चिन्ह बना हुआ है, इधर चारों तरफ इसमें जो है काफ़ी खूबसूरती से डिजाइन को उकेरा गया है। और चलिए अब हम इधर चलते हैं, इधर यह स्थान जो है झिरिया सरकार के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध है। यहाँ जो है झिरिया एक छोटा सा कुआ है, उसमें पानी जो है कभी कम नहीं होता ऐसा बताया जाता है। चलिए वो कुआ को भी हम चल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों हम धीरे धीरे कुआ के पास पहुँच गए हैं, ये छोटा सा कुआ है जिसको हम झिरिया बोलते हैं। इसमें जो पानी भरा हुआ है आप देख सकते हैं, पानी इसमें यह पानी कभी कम नहीं होता, यह झिरिया इसको बोलते हैं, इसलिए इस स्थान का नाम झिरिया के नाम से पड़ा है, झिरिया सरकार के नाम से। यह स्थान जो है विख्यात है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।